राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। छुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखा कर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यास है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। हमारे वरिष्ठ भ्राता इस विद्यालय के मुख्य प्रवक्ता भ्राता जगदीश जी आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। आपने इनके लिखे हुए पुस्तक किताबें जो इस साहित्य
विभाग में, हमारे साहित्य विभाग में उपलब्ध है, वो पढ़ी भी होगी और अनेक गूढ़ रहस्यों की जानकारी प्राप्त की होगी, जो शिव परमात्मा ने हम आत्माओं को पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से दी है। तो आज आपके सामने आए हैं, अनेक और गूढ़ रहस्य आपके आगे स्पष्ट करने के लिए, लेकिन कई और प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं, जीवन की धारणाओं के प्रश्न, योग से संबंधित प्रश्न कई होंगे। तो हम प्रश्न तो इनवाइट करेंगे ही, पर पहले हम जगदीश भाई जी से कुछ इनके अनुभव की बातें सुनेंगे और तब तक थोड़े से अगर प्रश्न मिल जाए तो फिर प्रश्न उत्तर भी रखें। ओम शांति। अभी अभी जब हम बैठे थे उस परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति में, गीत बज रहा था एक, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राजयोगी बनकर फूलों जैसा मुस्कराना थी। जो योग शिविर अभी आप सब कर रहे हैं, ये उसका एक निष्कर्ष है, एक सार है कि क्या करना है। योगी किसको कहा जाता है? फूल केवल मुस्कराता ही नहीं है, फूलों की मुस्कुराहट को देखकर देखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर स्वतः मुस्कुराहट आ जाती है, मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठते हैं। ये उसका एक गुण है फूल का। फूल में सुगंधि भी होती है, सुगंधि या खुशबू के अलावा फूल सुंदर कितना होता है, निर्मल कितना होता है। श्रद्धा का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वास्तव में गीत में तो एक ही बात कही जा रही थी फूल के विषय में, लेकिन एक निर्मल कोमल सुगंधिपूर्ण फूल तो हमें बहुत संदेश देता है हमारे जीवन के लिए। अगर हम सीखना चाहें तो हर एक से सीख सकते हैं, एक फूल से भी हम सीख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। तो राजयोगी अगर हम बनते हैं तो उसका हमारे जीवन में एक प्रभाव ये होना चाहिए, हमारे जीवन के तरीके में ये अंतर आ जाना चाहिए कि हम ना तो लोगों से नाराज हों, ना ज्यादा कहा सुनी करें, ना हमारी कोई उनसे लड़ाई झगड़ा या अनबन हो, मुस्कराते रहें। वरना मुस्कराते रहने का मतलब क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आए, जो हमारे किए हुए कर्म हैं वो भोग के रूप में हमारे सामने तो आएंगे। जन्म जन्मांतर हम अज्ञानतावश, भूल चूक वश जो कुछ करते आए, उसका फल जब परिपक्व होगा तो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा। अस्वस्थता के रूप में भी आएगा, कोई कार्य हम करेंगे कभी उसमें असफलता के रूप में भी आएगा, अन्य भी कई रूपों में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो सकती हैं, लेकिन हम मुस्कराते ही रहें। हर एक व्यक्ति चाहता है मुस्कराना, और कोई कठिन नहीं है मुस्कराना, लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति आती है, मुश्किल समस्या सामने आती है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हम कहीं पर कुछ विशेष पुरुषार्थ करके किसी कार्य को किसी सिरे लगाना चाहते हैं, वहां अगर हम असफल हो जाते हैं, तब व्यक्ति मुरझा जाता है। मुस्कराने की बजाय उसका मन दुखित हो जाता है। नहीं, मुस्कराने का मतलब यह है क्या भी हो, योगी के ये लक्षण हैं कि निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक जय पराजय कैसी भी परिस्थिति हो, योगी का चित्त शांत हो, आनंदमय हो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की स्मृति में लवलीन रहे। उसको मालूम है कि ये संसार में उतार चढ़ाव आएंगे, जीत हार होगी, ये खेल है। खेल में कभी एक पार्टी जीतती है,
कभी दूसरी जीतती है। खेल तो खेल ही है, खेल हमेशा खुशी के लिए खेला जाता है। खेल में अगर हम हार गए तो उसमें रोने की क्या बात है, फिर तो खेलने का फायदा ही नहीं है। वी शुड हैव द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, वी शुड प्ले इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। खेलते हैं हम तो खेलने के भाव से खेलना चाहिए। ये संसार भी एक क्रीड़ा स्थल है, एक खेल का मैदान है, खेल है जीवन एक। जैसा भी आप उसको समझना चाहें, ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर अंतर से अंतर पड़ जाता है। लेकिन योगी का दृष्टिकोण ये है कि वो परमात्मा की याद के झूले में झूलता रहता है। मेरे जैसा कुछ कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति यही है। तो अगर इस योग शिविर में आने से एक ये मैसेज हमें माइंड में सेट हो गया कि मैंने अब योगी बनना है, भोगी नहीं। योगी और भोगी में अंतर होता है। भोगी जब रात को सोता है तो भी उसको भोग के ही स्वप्न आते हैं। वो बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति बिजनेस करता था कपड़े का, और रात को सोया पड़ा था, तो रात को स्वप्न में क्या देखता है कि कोई ग्राहक आया है। सारा दिन ग्राहक की बात सोचता था, सुबह जल्दी से जाके दुकान खोलना, शायद कोई ग्राहक फंस जाए। रात को भी देर तक बैठे रहना, किसी भूले भटके को कफन की ही शायद जरूरत पड़ जाए, कोई आ जाए। दुकान खुली रखता था, घर वाले बैठे हैं इंतजार में भोजन की, पिताजी आए या पति महोदय आए तो भोजन करेंगे, उनको भोजन की भी सुध-बुध नहीं, घर की भी परवाह नहीं, कपड़ा बिकना चाहिए। मेंटेलिटी है, जीवन में सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं है, परिवार भी कोई चीज है, दूसरे कर्तव्य भी कोई चीज है। कई लोग बैलेंस नहीं रखते, सिर्फ धन को ही, वो 99 के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो पड़ा हुआ ऐसा ही व्यक्ति था, वो रात को सोया पड़ा था, और रात को स्वप्न में क्या देखता है कि ग्राहक आया और वो कहता है कि लाला जी ये कपड़े दिखाया उसने बिजनेसमैन ने, जैसे कपड़े वाले दिखाते हैं थान दिखा दिखा के, उसने देख के कहा कि ये दे दीजिए, इतने मीटर ये कपड़ा दे लीजिए। तो ना तो दुकान थी ना कपड़ा था, वो तो सिर्फ एक स्वप्न था। कपड़ा तो जो चादर उसने ओढ़ रखी थी वही था, उसने वो लेके फाड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि कपड़ा दे के, इतने मीटर कपड़ा दे के फाड़ा जाता है ना सारे थान में से, उसको फाड़ने लगा। वो लल्लू लाल उसका नाम था, लल्लू लाल जो है वो कपड़ा फाड़ने लगा। पास में उसकी माता जी लेटी हुई थी एक चारपाई पर, उसने कहा अरे लल्लू क्या करता है चादर फाड़ रहा है। तो आधा सोया हुआ आधा जागता हुआ माँ को कहता है, माँ देख अब मेरा ग्राहक आया है, तू मेरे काम में दखल मत दिया कर। माँ की आवाज भी सुन रहा है लेकिन साथ साथ उसको ये कह रहा है कि ग्राहक आया हुआ है, मेरी गाहकी में खलल मत डाल। तो जिसको सोए हुए भी यही ख्याल है, जागते हुए भी यही ख्याल है, दोस्तों से बैठता है तो भी यही देखता है, कोई आदमी उससे बात करने आता है तो देखता है उसके कुर्ते का कपड़ा कैसा है, उसकी पैंट का कपड़ा कैसा है, क्यों ये कितने में लिया था, यही बात करता है, दूसरा कुछ करता ही नहीं है। तो ये जो मनुष्य अपना सारी जीवन इसी काम में एक कोलू के बैल की तरह से लगा देता है, नहीं, जीवन में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमने कमाना भी है, अपने घर की गृहस्थी की जो हमने रची है उसकी पालना भी करनी है। कौन करेगा, ये हमने किया है तो अब हमें ही निभाना पड़ेगा। उसके लिए वक्त से कार्य भी करो। वर्क वाइज यू वर्क, प्ले वाइज यू प्ले। जिस टाइम काम करने का है काम करो, जिस टाइम कुछ और करने का है और करो। तो योगी बनने का लक्ष्य ये है कि कार्य करते हुए भी कर्म योगी बनो, उस परमात्मा की स्मृति में रहो। ये हो सकता है अभी कोई व्यक्ति यहां बैठा है, अगर उसको अपने लौकिक घर की याद आए, अपने बेडरूम की, किचन की या कहीं की भी, तो उसके लिए कोई टिकट लेके कोई किसी ट्रेन विशेष से वहां थोड़ी पहुंचना पड़ता है। मन का संकल्प तो एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में वहां पहुंच जाता है, उसका चित्र उसके मन में आ जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम योग को भी सहज कहते हैं, ये सहज योग है, इसमें कोई हट की आवश्यकता नहीं, कोई अपने ऊपर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है, मन को कोई मारने की जरूरत नहीं है, संवारने की जरूरत है। अगर हम केवल मन में उस परमात्मा का स्वरूप और उससे हमें प्यार है, परमात्मा से वो हमारा माता है, पिता है, सखा है, स्वामी है, हमारे आत्मा के सब संबंध उसी से हैं, बाकी शरीर के संबंध है,
शरीर के माता पिता भी हैं, ऐसा नहीं कि शरीर के माता पिता को छोड़ दो या उनका अदब ना करो, उनका कार्य उनसे करो। लेकिन जो उनके भी माता पिता हैं, सारे ही जगत के माता पिता एक परमात्मा हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, उनसे हमारा क्या नाता है, वो भी हमें समझने की जरूरत है। तो योगी बनना है हमको, मन की योग किसको कहते हैं, लगन में मगन होना। सिंपल सी बात है, लगन में मगन होना। उस परमात्मा से हमारी लगन लग जाए और उसमें हम मगन होना जान लें, सीख लें, समझ लें, वो कला हमको आ जाए, इसी का नाम योग है। तो फिर हमारे लिए मुस्कराना सहज हो जाएगा हर एक परिस्थिति में, क्या भी कठिनाई हमारे जीवन में आए। ये कोई कम अचीवमेंट थोड़ी है कि जीवन में हमारी कितनी भी परिस्थितियां आए और उसमें हम हमेशा खुश रहें, मौज में रहें, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। कितने लोग हैं जिनको टेंशन है लाइफ में और टेंशन के कारण से कई रोग हैं, हृदय रोग हैं, ब्लड प्रेशर के रोग हैं, आर्थराइटिस पेन है, कितने प्रकार के कठिनाइयां हैं, घर बेचारे बजाय इसके कि स्वर्ग बने नर्क बने पड़े हैं, आपस में कितनी कहासुनी होती है। तो ये सब बदल सकता है अगर हमारा ये दृष्टिकोण बदल जाए कि ये एक विश्व परिवार है, हम तो उस परिवार के सदस्य हैं, हमने सबसे प्यार करना है, हम अपने कटु वचन क्यों बोलें, हम किसी को दुख क्यों दें, क्योंकि अगर हम दुख देंगे तो जरूर दुख पाएंगे, ये समझ लो, कर्मों का हिसाब किताब है, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। गेहूं बोओगे तो उससे चना पैदा नहीं होगा, उससे गेहूं पैदा होगा। और कोई भी चीज जैसी आप कर्म करेंगे, खेती है ये संसार, कर्म क्षेत्र है ये, तो वो करनी भरनी का जो हिसाब किताब है वो हमारे सामने आएगा। सिंपल बात है, इसमें कोई हमें गेरुए कपड़े पहनकर और कोई जंगल में जाने की बात नहीं है, जैसे आपको बताया भी गया होगा, एक मनोपरिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस योग शिविर में आने के बाद अगर आपका ये दृढ़ संकल्प हो गया, आपने ये प्रण कर लिया, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका एक बच्चा हूं, जो अज्ञानता में भूल चूक में पहले मुझसे जो कभी हो गया सो हो गया, लेकिन आज से मैं आपके साथ ये अपने मन से सोच समझकर, हृदय से सच्चे मन से ये प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, व्रत लेता हूं कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, सेवा करूंगा, नम्रता से बोलूंगा, मीठा बोलूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा। ये तो समझ की बात है, इसी को ही समझ कहा जाता है। खाओ पियो रहो आराम से, कोई मना नहीं, दुनिया हमारे लिए है, फाका मस्ती करने की जरूरत नहीं है, सब चीज का जैसे सेवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाए हम, वो भी हमको नहीं करना है, लेकिन ठीक तरह से हम रहें। परमात्मा हमारा पिता है, ये संसार हमारा है, हमारे ही लिए प्रयोग के लिए बना हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग भी अगर हम गलत तरीके से करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो उसकी भी हानि होगी। खाना है, खाना हमारे लिए है, ना कि हम खाने के लिए हैं। अधिक खाएंगे तो हमें अपाचन होगा, हमें ही पेट का दर्द होगा, हमें तकलीफ होगी। तो सब चीज को बैलेंस करके योगी का भाव यही है कि जो जितेंद्रिय हो, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, जो करना चाहे ठीक सोच समझ के करे। और सबसे बड़ी बात जो है मनुष्य की सद्बुद्धि, कि बुद्धि ठीक हो। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उल्टे काम करना शुरू कर देगा और उल्टे काम शुरू करके अपने को विनाश की तरफ ले जाएगा। ये उसकी एक लक्षण है उस व्यक्ति का जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो। और सबसे बड़ा लाभ यही होता है योग का कि जब हम अपनी बुद्धि उस परमात्मा में लगाते हैं तो परमात्मा हमारी बुद्धि को परिवर्तित करता है, हमें सद्बुद्धि देता है, अच्छे विचार देता है। और अच्छे विचार से सर्वोत्तम चीज और क्या हो सकती है। ये जो कुछ भी संसार में हमने बना रखा है विचारों से ही तो बना रखा है। तो संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये मैसेज हमें अगर ठीक तरह से हमने समझ लिया, आवर विजिट इज सक्सेसफुल, तो हमारा यहाँ आना जो है ये सकारत हो गया, सफल हो गया, आगे तो इसको हमने आगे बढ़ाना है। बाकी कुछ प्रश्न आए हैं बहन जी के पास, वो जो कहेंगे उसका उत्तर जहां तक हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रश्न आए हैं, आज दादी जी ने क्लास कराया जिसमें अभी जब दादी जी सबसे मिले तो दादी जी ने विशेष जोर दिया काम और क्रोध
विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, तो कुछ एक ने पूछा है कैसे प्राप्त करें इन पर जीत, किसी ने पूछा है कि आजकल तो ये कहा जाता है कि ये सब नेचुरल है, तो जबकि नेचुरल है तो जीत प्राप्त करने की क्या कौन सी बात है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी नन्स और फादर्स को सेलिबसी की न रखने की छूट धीरे धीरे दी जा रही है, तो आप इस संस्था में इस पर जोर क्यों देते हो? ये प्रश्न क्या है। नेचुरल शब्द या नेचर, इसके दो अर्थ हैं। एक है हमारी रियल नेचर, एक है हमारी एक्वायर्ड नेचर। जिस तरह के संघ में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो कर्म हम जिस टाइप के बार बार करते हैं, जो हमारी आदत बन जाती है, उस आदत को भी लोग ये कहते हैं कि इसकी नेचर है। हर एक व्यक्ति की, कई व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी होते हैं, तो जिद हर एक का स्वभाव तो नहीं है, जिद होना कोई नेचुरल तो नहीं है, रियल नेचर तो नहीं है। रियल नेचर तो फ्लेक्सिबल है, आदमी जो रीजनेबल बात समझे उसको करे, जो गलत बात समझे उसके ऊपर आग्रह करने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ लोग किन्हीं परिस्थितियों में, किसी कुसंग में, कई कारणों से जिद्दी बन जाते हैं। बचपन से मान लो किसी बात पर हट कर बैठे, माँ बाप मानते चले गए, उसके लाड कोड को, लाड प्यार के बात रखने के लिए उसकी जायज नाजायज हर बात में चलते गए। डॉक्टर कहता है इसको आइसक्रीम मत खिलाना, इसका गला खराब है, उसने कहा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, उसको मना किया दो चार दफा, नहीं मानता, जिद करता है, चीजें उठा के फेंकता है, तंग करता है, क्या करें। अच्छा भाई इसको खिला दो, जिस चीज की जिद करता है आखिर हम सरेंडर करके उसको करते जाएं, उसकी बात मानते चले जाएं, वो जिद्दी हो जाता है। वो समझता है कि अगर मैं अपने बात पर अड़ा रहूंगा आखिर ये लोग हथियार डाल के मेरी बात मानेंगे। तो उसको जो पहले से सक्सेस मिलती चली आई, अभ्यास होता आया, वो जिद्दी बन जाता है। अब कोई आदमी कोई कहता है कि जरा ये गलत काम कर रहा है, आप आपकी बात मानेगा, आप इसको जरा समझा दो, तो आप कहते हैं नहीं भाई ये हमारी भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, आप तो बड़े हैं इससे। तो वो कहता है ये जिद्दी है, इसकी ये नेचर से ही जिद्दी है। तो ऐसा नहीं कि नेचर हर एक इंसान की जिद की होती है, लेकिन इस व्यक्ति की जो आदत है वो जिद की हो गई है कई कारणों से। तो जिसको आप नेचुरल कहते हैं, ये नहीं है जरूरी कि वो हमारी रियल नेचर हो, वो हमारी परवर्टेड हैबिट हो, हमारी अपने असली स्वभाव में बिगाड़ आ गया हो, ऐसा भी होता है। तो ये क्रोध कोई नेचुरल नहीं है, लेकिन क्या है, आप छोटा बच्चा है घर में, अब वो देखता है कि हमारे माता जी ने खाना कोई थोड़ा देर से बनाया और पिताजी ने क्या कहा उसको कि भाई तू तो रोज खाना लेट बनाती है, मैं ऑफिस भी लेट पहुंचता हूँ, मैं नहीं खाता खाना, जा रहा हूं मैं, क्या मजाक बना रखा है, हम सारा दिन काम करते हैं और यहाँ खाना भी ठीक टाइम पर नहीं बनता, इत्यादि इत्यादि गुस्सा करके वो हावी होने की कोशिश करता है। तो बच्चा देखता है ये क्रोध कर रहे हैं, और दूसरे दिन जो माँ है वो जरा टाइम से बनाती है, तो वो समझता है ऐसे अगर बोला जाए किसी को तो दूसरा व्यक्ति बात मान जाता है, झुक जाता है, तो वो भी रोक करने लगता है, देती है कि नहीं देती खाना, छड़ी उठा के माँ को भी दिखाने लगता है, सीख लेता है घर के गलत माहौल में ये चीज सीख लिया। अब उसने क्रोध सीख लिया, तो क्रोध कोई हमारी रियल नेचर थोड़ी है। काम को एक दूसरे से प्यार से समझ से कराया जा सकता है, ये तो अपना टेम्पर लूज करना, मनुष्य के मस्तिष्क का तवाजन, उसके माइंड का बैलेंस अगर हम वो गंवा बैठे तो आप उसको नेचुरल कहेंगे। गुस्से में तो आदमी वो कहते हैं भाई आधा अंधा होता है, जो मर्जी करता है, तोड़ फोड़ करता है, जो बोलना हो गलत भी बोल देता है, तो गुस्सा तो अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए जो कोई व्यक्ति कहता है कि काम क्रोध लोभ वगैरह ये कोई रियल नेचर है, इसके बिना संसार नहीं चल सकता, उसी का ही तो परिणाम है कि कलयुग है ये। आज आप देखिए हमारे देखते देखते जमाना कैसे कितना बदला है। जब हम छोटे बच्चे थे, हमने बुजुर्गों के मुख से कहते हुए सुना, किसी ने उनको कोई रिश्वत देने की अगर कोशिश की तो वो ये कहते थे देखो भाई मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, मैं घर में ये ऐसा बेईमानी का पैसा नहीं ले जाऊंगा।
मेरे बच्चे तो खराब हो जाएंगे। क्योंकि उन दिनों में कहा यह जाता था कि जिसके घर में बेईमानी का पैसा आएगा, घर में या तो मुकदमाबाजी होगी या बीमारी होगी या आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ वो पैसा खराबी ही पैदा करेगा। अच्छा पैसा जो होगा वो आपके सुख में काम आएगा। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाते हैं एक साल में, उसमें से अगर आपने 50,000 ठीक तरह से कमाया है, 50,000 जिसको ऊपर की कमाई कहते हैं, जैसे ऊपर वाला कोई देता हो, नाम भी लोगों ने गलत रखे हुए हैं कि जी इसकी इतनी तो तनख्वाह है, इतना ऊपर से आ जाता है, ऊपर से कोई छप्पड़ फाड़ के भगवान भेज रहा है, लेता टेबल के नीचे से है। आजकल टेबल के ऊपर से भी लेते हैं साफ साफ, लेकिन कहते क्या है कि ये ऊपर से ऊपर की कमाई है उसकी। जब कभी किसी से कोई नाता जोड़ना हो, कुछ कह भाई इसकी कितनी तनख्वाह है, कहते हैं इतनी तो इसकी वेतन है और इतनी इसकी ऊपर की कमाई है। देखिए गलत कमाई को ऊपर की कमाई कहते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो कहते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने इतने देशों में जाके अपने देश को छोड़ के कितने देशों में जाके झगड़े किए, मारकाट की और ये सब किया, उसको कहते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये जो संसार की रीत है दूसरे को, और उसको कहते हैं ये बड़ा वीर है, ये बड़ा योद्धा है, जो दूसरों को मारे, जान से मार डाले, वो बड़ा वीर है। तो कुछ ऐसे अच्छे लेबल लगाने से हमने बुराई को भी कुछ अच्छे नाम देकर अच्छा मर्तबा दे दिया, अच्छी पोजीशन दे दी। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो वो मैं बता रहा था कि उस टाइम बुजुर्ग ये कहते थे कि ना भाई, हम ये गलत कमाई, हम ये खराब कमाई घर में नहीं ले आएंगे। और आज हम देखते हैं वही लोग ये उसी आर्गुमेंट को दूसरे तरह से पेश करते हैं कि साहब हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, तनख्वाह से कैसे गुजारा होगा, अगर हमको ये इधर उधर से मिलेगा नहीं, हमारे बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, विलायत में भेजेंगे, इनको विदेश में भेजेंगे, इनको ऊंची पढ़ाई पढ़ानी है हमने, और आखिर इनको अच्छे घर में हमने ब्याहना है, इनको अच्छा घर मिलेगा कहाँ से? जब तक घर में कारें नहीं होंगी, सर्वेंट्स नहीं होंगे, बंगले नहीं होंगे, और ये किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के इंग्लिश फटाफट बोलते नहीं होंगे, और विदेश रिटर्न का इनको लेबल नहीं लगा होगा, तो ये हम कैसे इनका डिस्पोजल करेंगे? आप इस बात को इस ढंग से, पहले भी यही कहते थे हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, अब भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, पहले कहते थे कि हम खराब कमाई नहीं लाएंगे, और अब कहते हैं नहीं लाएंगे तो गुजारा कैसे होगा? द रिवर्स आप देखिए। तो जमाना इसी को बदलना कहते हैं, सतयुग से कलयुग इसी को आना कहते हैं। कहते हैं भाई जो सतयुग था उसमें व्यक्ति कहता था एक ही बात को, जो आज भी कहता है, लेकिन वो बदल गया है। पहले कहता था कि साहब क्या बात है, किसी ने कहा मैं ये ले सकता हूं, तो कहता है क्या बात है, आपका तो आपका है ही, मेरा भी आपका है, क्यों नहीं, आप और हम कोई अलग थोड़ी है। तो भाई आपका आपका है, मेरा भी आपका है, इसका नाम है सतयुग का। भाई उदार चित, जनरेसिटी, भेदभाव किस बात का, ये हम सब एक हैं, ले जाओ इसको, कोई बात नहीं। तो सतयुग त्रेता युग का ये लक्षण था। और द्वापर युग में कहते हैं उन्होंने कहा भाई देखो, लेट अस डू जस्टिस, न्याय करो, तुम्हारी चीज तुम्हारी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मैं ऐसा बेईमान नहीं हूं कि तुम्हारी चीज खाऊंगा, मैं बिल्कुल इंसाफ पसंद व्यक्ति हूं, आपकी चीज आपकी है, मेरी चीज मेरी है, मेरी को आप हाथ मत लगाओ, आपकी मैं नहीं हाथ लगाता। वो जो पहले था ना कि मेरी भी आपकी है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन इतना कम से कम फिर भी रहा कि मेरी मेरी है, आपकी आपकी। और जब कलयुग आया तो कहता है मेरी तो मेरी है ही, आपकी भी मेरी है, ये फर्क पड़ गया। इसी का नाम लोभ है। लोभ और किसको कहते हैं कि आप खाओ, कोई मना नहीं है, दुनिया में इतना तो है कि भाई आप बड़े पेट भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मिला है कुदरत की तरफ से हमें, लेकिन आप हर्षद मेहता की तरह से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, दूसरों को लूट खसूट के इतने करोड़ करोगे क्या, बताओ तो सही, कितने लोगों को लोग खून पसीना जो कमाते हैं बेचारे, गर्मी के मौसम में पत्थर कूटते हैं, उनको क्या मिलता है, घर में माँ बीमार है, उसकी दवाई के पैसे नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को अपने मरीज को दिखा नहीं सकते, एजुकेशन कभी उनको होती नहीं, कभी उन्होंने दुनिया का सुख देखा नहीं, सूखी रोटी के टुकर खाते हैं फिर भी खुशी से प्रभु के गुण गा के सोते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों की लूट खसूट करते हैं। तो आप समझते हैं कि लोभ नेचुरल है, अगर हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो हम समझेंगे नेचुरल है? कितने बंधुआ मजदूर लोगों ने बॉन्डेड लेबर रखे हुए हैं, वो बेचारे कर्ज लेते हैं, घर में बीमार पड़ा है कोई कर्ज ले लेते हैं,
वो सारी उम्र कर्ज चुका ही नहीं सकते और वो वहां से जा ही नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आप उनको जितने डेली वेजेस दो उतने ही देते रहो, ये क्या है? ये इंसानियत इसी का नाम है। तो इंसान इंसानियत से गिर जाता है जब ये काम क्रोध लो। ये कितने केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितनी भी कोर्ट्स हैं, आप किसी केस का नाम देख लो, रेप, व्हाट इज रेप है जी। जितने भी नारियों के केसेस आते हैं कई कई नामों से, ईव टीजिंग वगैरह वगैरह, ये काम के कारण है, काम विकार हैं ये सब। और ये मर्डर करना, मारना, ये करना, ये क्रोध के हैं। और ये लूटना, डाका डालना, चोरी करना, मिलावट करना, रिश्वत लेना, ये लोभ के हैं। धार्मिक भाषा में उनको काम क्रोध लोभ अहंकार कहा गया है। और वकीलों की भाषा में जो इंडियन पिनल कोड बना हुआ है, जो कोर्ट में केसेस होते हैं, उसके नाम उन्होंने रख रखा हुआ है। भाई ये मर्डर इसको कह दिया, ये मर्डर करता है। मर्डर बिना क्रोध के थोड़ी करेगा, क्रोध करेगा और घृणा करेगा, बदला की भावना आएगी। उसको धार्मिक व्यक्ति कह रहा है भी क्रोध मत करो और दुश्मनी मत निकालो, घृणा मत करो, प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, जियो और जीने दो। इसको इंसानियत कहते हैं। और अगर कोई कहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नेचुरल हैं, तो दुनिया की हालत क्या होगी? पहले ही डार्विन ने कह दिया कि इंसान के पूर्वज बंदर थे और इंसान ने बंदर बनना शुरू कर दिया। वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लोगों ने एटम बम, हाइड्रोजन बम तक बना दिए। पहले लड़ाई होती थी, अलग मैदानों में जाकर लड़ाई होती थी, पब्लिक को कुछ नहीं करते थे। जो मिलिट्री में भर्ती होते थे, सिपाही सिपाहियों से, फौजी फौजियों से लड़ते थे। और अब तो चाहे कहीं भी अभी बम डाल दो, सारी खलकत चाहे लाखों की तादाद में भी मर जाए, तो उसकी कोई बात नहीं। तो ये हालत आके पहुंची है। तो अगर आप ये समझते हैं, कोई भी समझता है कि काम क्रोध लोभ अहंकार नेचुरल हैं, गीता में जो कहा हुआ है कि काम आद क्रोध हो जायते, क्रोध आद भवति सम्मोह, कैसे काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मोहवश अपने देह के अपने अटैचमेंट से, ये क्या हालत होती है? ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उस नरक के द्वार में से मनुष्य जाता है, दूसरे दिन फिर सुबह उठाता है गीता, गीता खोली, फूल जड़ाए, नहा धो के बैठे और भगवान ने कहा हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ वो नरक के द्वार हैं, चलो ठीक है, और पढ़ के उसको रख दिया और कहा कि गीता कितनी अच्छी है, पढ़ने से मन को शांति मिलती है, भगवान ने ठीक ही तो कहा है। फिर रात को काम विकार के द्वार में से गुजरे, सारा दिन क्रोध और लोभ के द्वार में से गुजरे, दूसरे दिन नहा धो के फिर खोली गीता और फिर पढ़ा, भगवान ने कहा हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा, हमको थोड़ी कहा। भगवान ने तो अर्जुन को कहा, हमको कहां कहा? सो व्हाट? फिर जाएंगे मंदिर में, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भगवान ने ठेका ले रखा है पाप हरने का, और हमने ठेका ले रखा है पाप करने का, बताइए, देखें दोनों में से कौन जीतता है? व्हाट इज दिस? कर हम रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे छूटेगा? आप ये सोचिए। इसलिए अब ये चीज सोच कर कि हमने ये छोड़ना है, परमात्मा हमें पुकार रहा है कि मेरे बच्चे, मुझे तो कहते हो तू पतित पावन है और मैं पावन बनाना चाहता हूं, और फिर खुद पतित बनते हो, और केवल बनते ही नहीं जस्टिफाई करते हो, रैशनलाइज करते हो कि पतित होना तो लाजमी है, नेचुरल है, मेरे से भी आर्गुमेंट करते हो, इतने आर्गुमेंट करने वाले वकील बन गए हो, देखिए धर्मराज से भी आर्गुमेंट करते हो कि ऐसा है। यही नर्क बनता है इन विकारों से, इन विकारों को छोड़ने से स्वर्ग बनता है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, अगर वो भी कामिक रोधी थे, हम भी कामिक रोधी हैं, तो क्यों पूजा करते हो उनकी? फर्क क्या है? फर्क जरूर ये है, उनको देवी देवता कहते हो, उनमें दिव्य गुण थे। दिव्य गुण किसको कहा जाता है? ब्रह्मचर्य एक दिव्य गुण है, और शीतलता, मन की निर्मलता, किसी से नम्रता से बोलना, मिठास से बोलना, प्यार से बोलना, ये दिव्य गुण है। क्रोध करना ये तो आसुरी गुण है। अगर ये दोनों एक ही बराबर हो या यही नेचर हो तो ये क्यों बने हुए मंदिर? पूजा हम करते हैं, लेकिन पूजा करने जिनकी करते हैं उनके गुण हम धारण नहीं करते कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब ये प्रभु की महिमा की हमने, तुम हमारे माता पिता हो। अच्छा, हमारे माता पिता परमात्मा हैं, वो कैसे हैं? वो तो परम पवित्र हैं, वो तो पतित पावन हैं, वो तो अजामिलों का गणिकाओं का भी उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, हमारा भी उद्धार करो। तो परमात्मा जो पिता हैं आपके, उनकी ये महिमा है। और आप पिद्रम सुल्तान बूत, बाप मेरा सुल्तान था। लखनऊ में जाओ, खुद आदमी टांगा चलाता है और कहता है नवाब शुजाउद्दौला हुआ करते थे, यहां से जाते थे, अशर्फियां लूटा करती थी, वो हमारे चाचे के चाचे के चाचे के चाचे हुआ करते थे। तो आप क्या कर रहे हो? अगर किसी का बाप मजिस्ट्रेट है और लड़का उसके सामने पेश किया जाता है कि साहब इसने मर्डर किया है, कितनी शर्म की बात है। हमारे पिता परमात्मा इतना पवित्र है और हम लड़के, हम उसके बच्चे, पुत्र पुत्रियां, हमारे क्या लक्षण है? कहते हैं भाई सन शोज फादर, बच्चे का तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ये फलां का बेटा है। हाँ जी, फलां का बेटा है। तो ये समझते हैं कि इसका बाप इतना अच्छा है, ये लड़का भी अच्छा ही होगा। तो कैसा होना चाहिए हमको? तो ये अब हमारी समझ में आना चाहिए कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बुरे कर्म जो हैं हम नहीं करेंगे। आज से हमने ये सीख लिया, क्योंकि बुराई का फल बुरा है, अंत बुरे का बुरा। आज हो सकता है आपको बुराई का फल बुरा ना दिखाई दे। पैसा कमाने वाला कमाता जाए, बंगले बनाता जाए, कारें रखता जाए, एक दिन मरेगा। एक दिन आदमी सीढ़ी पर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और आपको लगा है ये तो बहुत चढ़ता गया, मैं तो अभी तक नीचे खड़ा हूं, और ऊपर की सीढ़ी का कदमचा टूटा और वो गिरा नीचे, हड्डी पसली खत्म। हर्षित मेहता का क्या हुआ? इतनी मेहनत तो कमाने में की, धोखाबाजी में की, उसके क्रुकेडनेस से थिंकिंग की, करने के बाद सारी इज्जत क्या हुई? आप बताइए। बुराई का अंत बुरा है, भलाई का अंत भला है, ये सोचकर जीवन में चलो। ये हमारा लक्षण। दूसरा क्वेश्चन, किसी ने इंग्लिश में प्रश्न किया है, वी नो दैट डायनामिज्म इज लाइफ। नो, डायनामिज्म, डायनामिक होना, डायनामिक होना। वी नो दैट डायनामिज्म इज लाइफ, then what is the role of peace in it? Peace. Do we mean some stoppage of life processes for some time or something else? What is the clear meaning of peace in dynamism? ये peace yani shanti aur dynamism yani kriyashilta, kisi karya mein tatparta, purushart mein praveenta, ये कोई परस्पर विरोधी गुण नहीं है, बल्कि सहायक है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति शांत हो वो क्रियाशील नहीं होता, बल्कि वो क्रिएटिव वर्क करता है, वो ऐसा कार्य करता है जिससे भला हो संसार का। और जो पीसलेस होकर कार्य करता है, कार्य वो भी करता है, लेकिन उस कार्य से रिजल्ट क्या होता है? मान लीजिए किसी ने गुस्से में आकर अपने शांति को गंवाकर एटम बम बना डाला, उसका रिजल्ट क्या होगा? जो पीसफुल व्यक्ति होगा वो एटॉमिक एनर्जी को, उस पावर को अपने वश में करके उससे लाइट पैदा करेगा, उससे कारखाने चलाएगा, उस एनर्जी से, ऊर्जा से अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसको कहते हैं पीसफुल यूजेज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। और जो दूसरा किस्म का कार्य करता है, डायनेमिज्म उसमें भी है, क्रियाशीलता उसमें भी है, काम वो भी करता है, लेकिन वो काम क्या करता है? दुनिया को ही तबाह करने का काम करता है। तो पीस और जो क्रिएटिविटी है, जो काम करने की रचनात्मक प्रवृत्ति है, बल्कि ये अगर पीस और ये रचनात्मक प्रवृत्ति इकट्ठे नहीं होंगे तो एक अच्छे विश्व का निर्माण नहीं होगा, बल्कि जो निर्माण होगा वो अंतोगत्वा विध्वंस करने वाला होगा। वो जो काम करेगा उसका नुकसान होगा, नतीजा उसका खराब होगा। आप कोई मिसाल दे दीजिए कि कोई चीज किसी ने बनाई लेकिन पीसलेसनेस होकर बनाई, पीसलेस होकर, तो उसका नतीजा कोई अच्छा निकला? ऐसा नहीं होता। अगर उसका कोई बाई प्रोडक्ट किसी ने अच्छे काम में यूज कर लिया तो वो पीसफुल व्यक्ति ने किया होगा। जो पीसलेस व्यक्ति था उसने तो एम ही ये रखा कि इसे नुकसान कैसे हो। अब वही स्टील है या वही लोहा है,
लोहे से एक पीसलेस व्यक्ति तलवार बनाएगा, और लोहे से एक पीसफुल व्यक्ति जो है एक बाल्टी बनाएगा, या कोई ऐसी चीज बनाएगा जो अच्छे काम में इस्तेमाल की जा सके। चीज वही होती है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के तरीके मनुष्य के मनसा पर डिपेंड करते हैं, आधारित होते हैं कि ये व्यक्ति शांत है तो उसकी जो रचना होगी वो भी शांति पहुंचाने वाली होगी, अगर वो अशांत है तो उसकी रचना भी अशांत करने वाली। लेकिन क्रिएटिविटी और एक्टिविटी इज लाइफ, पीस इज ऑल्सो लाइफ। कोई जो डेड चीज है वो तो पीसलेस या पीस अनुभव ही नहीं कर सकती, अनुभव होता ही चेतन को है जो लाइफ वाला व्यक्ति हो, तो उसके बिना नहीं हो सकता, और लाइफ के बिना तो आदमी क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकता। तो ये बल्कि पीसलेसनेस जो है वो हमारी क्रिएटिविटी और लाइफ को इफेक्ट करती है। उदाहरण के तौर से क्रोध है, सबसे पहले तो क्रोध का इफेक्ट मनुष्य पर देख लीजिए, उसके नर्वस सिस्टम पर क्या पड़ता है। योग में कोई व्यक्ति बैठा है, डॉक्टर के पास ईईजी और ईसीजी है, वो किसी के हृदय की गति को देख ले, उसके मस्तिष्क से जो वेव्स निकल रहे हैं ब्रेन वेव्स जिसको कहते हैं उसको माप ले, उसके जो टोन है मसल का उसको माप ले, उसके जो और पैरामीटर से अगर उसके शरीर का परीक्षण कर ले, तो जो व्यक्ति शांत होकर कर्म कर रहा है सबसे पहला यह है कि उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, उसका शरीर ठीक रहेगा और उसका मस्तिष्क जो है वो संतुलित होकर कार्य करेगा। और जो पीसलेस होकर कार्य कर रहा है तो उसको ही देख लीजिए कि उसका अपना ब्लड प्रेशर अप होगा, हार्ट बीट ज्यादा होगी, उसका बाकी भी जो सारा शरीर है वो झकझोरा जा रहा होगा। तो पीसलेस वाला भी एक्टिविटी तो कर सकता है, हाइपर एक्टिविटी भी कर सकता है, सारी एनर्जी को एक बहा सकता है किसी काम के लिए लगा सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसके अपने लिए और संसार के लिए खराब हो। लास्ट क्वेश्चन, समय काफी दौड़ता जा रहा है कई भाई बहनों, वैसे तो काफी आपके प्रश्न हैं जिनका समाधान कल के विषयों में आ जाएगा, जैसे कि संस्था का खर्चा कैसे चलता है आदि आदि, कल सेवा का विषय है उसमें होगा, और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन अभी हम एक ही प्रश्न लेंगे, विशेष करके जैसे आज दादी जी ने सबको मांस मदिरा अंडा आदि त्यागने के लिए प्रेरणा दी, उन आप सबसे प्रतिज्ञा भी करवाई, तो किसी का प्रश्न है कि ठीक है मैं तो नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मेरे घर के मेंबर्स नॉनवेज हैं तो क्या मैं नॉनवेज चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ क्या? और दूसरा किसका है कि शरीर का एक प्रश्न है कि दादी जी ने ये सब छोड़ने की बातें कही, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह अंडा या मांस जानवर के शरीर का एक हिस्सा है, निसंदेह जानवर के शरीर से निकलने वाला दूध भी उसी शरीर का एक हिस्सा है, और वो जानवर के बच्चों के लिए बच्चे के लिए है, न कि हमारे शरीर के लिए। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। जानवर के जो दूध की बात कही गई है कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक विचारणीय है, चर्चनीय है, और उसकी दूसरी उसका उत्तर है क्या है कि जानवर का जो दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, वो उसके बच्चों के लिए होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उस समय को ख्याल में रखिए जब लोग पशुओं की इतनी सेवा करके उनको भरपूर खिलाते थे, जो एक पालतू जानवर को जिस ढंग से वो पालते थे, गाय को माँ कहकर कि ये हमारी माता है, माता का दूध जैसे लिया जाता है, इस प्रकार से, ये नहीं कि उसका हक छीन कर बच्चे का, बच्चे को अपना पूरा हिस्सा देकर, और गाय इतना दूध दे कि बच्चे की जरूरत से भी ज्यादा दे, और गाय को कमजोरी ना आए, उसको गाय की कई किस्म की चीजें खिलाते थे और उसे इतना प्यार और सम्मान करते थे, ये तो भारत के लिए मशहूर है, विदेश वाले लोग हंसते हैं कि भारत के लोग देखो जी गाय को माँ कहते हैं, गौ माता। अब गौ माता क्यों कहते हैं? जैसे छोटे बच्चे को माँ दूध देती है और उसकी पालना करती है, बचपन से उसके शरीर में वो जा गया होता है, उसी से जीवन भर उसकी जो हड्डियां बनी, जो उसका मांस बना, जो उसका शरीर बढ़ा, तो उसकी शक्ति उसमें आई। माँ का ऋण कभी भूल नहीं सकता वो जिसने माँ का दूध पिया है। और क्या कहते हैं लोग, तो अरे तू माँ के दूध को भी धिक्कारता है, तू माँ से ऐसे बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? कोई माँ का एहसान कितना होता है मनुष्य के ऊपर,
इसके ऊपर कई कहावतें हैं और स्टोरीज बनी हुई है। निस्संदेह वो कहते हैं जननी जन्म भूमि स्वर्गात अभी गरीयसी, कि जो माँ है और जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो माँ का ऋण कोई कम नहीं होता। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, बादशाह बन जाए और कुछ क्या भी बन जाए, माँ फिर भी माँ है। वो कहते हैं जब अकबर घर में आता था तो उसको माँ कहती थी अकबरू तू आ गया, और वो कहती माँ तू मुझे आने से पहले बादशाह सलामत जहां परवर अन्नदाता इत्यादि इत्यादि। बादशाह अकबर आते हैं, मेरा अनाउंस करते हैं और मैं घर में आता हूँ, तुम मेरे को कम से कम अकबर नाम तो पूरा कह दिया कर। और तू कहती है कि अकबर आ गया, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, माँ कम से कम ये तो मेरा कुछ तो ख्याल कर, मैं भी आकर बड़ा हूँ। वो कहते हैं इस दुनिया के तीन नाम परसू परसा परसा राम। छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं परसू इधर आ जा, माँ कहती है। थोड़ा बड़ा होता है तो लोग उसको कहने लगते हैं परसू मत कहा कर, इसकी सगाई होने वाली है तो इसका नाम परसा तो कम से कम बुला, परसा इधर आ जा। और जब बड़ा होता है तो परसाराम उसको बोलते हैं, बच्चे वाला हो जाता है तो लाला परसाराम बोलते हैं। फर्क पड़ता है, उतना फर्क तो घर में भी पड़ जाता है। और ये बादशाह जहान परवर अकबर साहब हैं और इनको तू अकबरू कहती है, ये तो ठीक नहीं। तो उसने कहा मैं तो तुझे अकबरू कहूंगी, तू मेरा तो वही छोटा लाल है, मैं तो तुझे उसी तरह से देखती हूँ। तो क्या बोलता है, कहता है माँ मुझे सबसे प्यारा नाम यही लगता है, मैं तो तुझे लाड से कह रहा हूँ, तू मुझे इसी नाम से बुलाया कर, दुनिया ने तो मुझे बोर कर दिया है, ये आते हैं वो आते हैं, वो अपनी तरह से जो कहते हैं उनको कहने दे, घर में आकर मेरी जो सारी थकावट दूर होती है तब होती है जब तू मुझे अकबरू कह के बुलाती, ये मेरा प्यारा नाम है, मेरे बचपन के वो भोले दिन याद मुझे आ जाते। तो माँ का तो ये है। तो गऊ को माता कहते लोग, उसको कितना तो प्यार करते हैं। हम लोगों ने खुद बचपन में हमारे घर में गऊएं थी, हमने उनकी सेवा की है, उनको पाला है, और गऊ भी हमको कितना प्यार करती थी, पशु भी उसका रेस्पॉन्स देते हैं। आपके पास कोई पक्षी हो, आप उसको प्यार से पालिए, देखिए वो आपको क्या रेस्पॉन्स देता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक व्यक्ति के पास ठहरा हुआ था, वो योग का एक आश्रम का इंचार्ज था। तो जब हम कभी आते थे लोगों को योग वगैरह सिखाकर, विदेशी ऑस्ट्रेलियन ही था वो, तो उसने एक तोता पाल रखा था, उसको कुछ सिखा भी रखा था। तो तोता उसका, वो भी उसके गुण गाता था। जब हम वहां लौटते दरवाजा खुला और वो कहेगा डेविड यू हैव कम, डेविड तुम आ गए, उसको बोलता है अंग्रेजी भाषा में डेविड यू हैव कम। हाँ जी, और दो चार उसने सेंटेंसेस ऐसे याद कर रखे थे बड़े प्यार से, ऐसे ऐसे ऐसे, वो अंगुली करेगा उसको ठुंगा मारेगा, प्यार करता है। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर आप प्यार करेंगे तो आप प्यार का रेस्पॉन्स करते हैं, पशु भी ऐसे करते हैं। अभी तक दो कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, एक सपेरे सपरे और एक नागपाल। ये पंजाब की दो सब कास्ट हैं, सपरा और नागपाल। हमारे भी क्लास फेलोज कुछ सपरा और नागपाल हुआ करते थे और वो सांप और नाग की पूजा किया करते थे। अरे हम कहते हैं भाई तुम दूध पिलाते हो सांप को, वो कहते हैं दुग्धपानम भुजंगानाम विषवर्धनम, कि सांप को तुम दूध पिलाते हो उसकी जहर बढ़ाते हो और तुम क्या काम करते हो, उससे मजाक किया करते। तो वो ये कहते हैं कि जो सपरे और नागपाल होते हैं उसको सांप काटता नहीं कभी। आज तक हमारे खानदान में ये रिवायत है, कभी किसी ने सांप ने किसी को काटा नहीं। हम कहते थे सांप को कहां से पता लगा तुम्हारी सब कास्ट क्या है, तुम नागपाल हो या, हमें नहीं पता था जब तक तुमने बताया नहीं। तो सांप बेचारा बिल में छिपा हुआ वो निकला, वो ये सोचेगा कि ये नागपाल का घर है, इनके बच्चों को हमने नहीं काटना, ये क्या बात करते हो तुम। कहता था ठीक है कभी सांप आए तो बेशक मेरे को ले चलो, मजा ले काटे, हमें डर ही नहीं। तो क्या है कि उनके मन में एक फेथ है भाई हमें सांप काटेगा नहीं, और सांप को भी वो फेथ पहुंचता है। देखिए मन को मन से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है। तो गऊं की इतनी सेवा लोग करते थे, और वो जैसे उसके बछड़ी बछड़ा होते थे गाय के, घर के मेंबर भी उसके बच्चे होते थे, जैसे उनका हक है उनका भी हक है, ऐसे वो समझते थे और वो उनकी सेवा करते थे। इट वॉज ए म्यूचुअल काइंड ऑफ एग्रीमेंट, नॉट रिटन बाई ए लायर, किसी वकील का लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं था, ये गाय और घर के आदमियों में खुद ब खुद था। अब देखिए घर में बिल्ली भी रहती है, कुत्ता भी रहता है, वैसे बिल्ली और कुत्ते कितने दुश्मन है एक दूसरे के, देख रहेगा बिल्ली को कुत्ता भागेगा उसके पीछे बड़े जोर से, और जब घर में रहते हैं एक ही कटोरी में दूध पीते देखा है। शेर का भी कभी कभी फोटो अखबार में आ जाता है,
किसी ने पाला पाला हुआ उसके बच्चे को, तो कैसे एक तरफ वो पक्षी पशु सब घर में बैठे हैं। हमारे यहाँ तो दिखाते हैं कि शंकर जी पार्वती और ये सारा दैवी परिवार बैठा है, किसी का मोर है तो किसी का गरुड़ है तो किसी का सांप है, जो परस्पर विरोधी जानवर हैं वो सारे फैमिली में इकट्ठे ही बैठे हुए, वो भी अपने आराम से बैठे हुए, ये इस तरह से होता है। तो वो उनका हक जरूर है। आज जो इंसान है गाय को खाना तो देता नहीं पूरा है जी, उसको लूटता खसूटता है, कोई इंजेक्शन लगा के कुछ करके। तो कोई उनसे कहते थे, महात्मा जी आप तो गरीबों की सेवा करना चाहते हो, बकरी को तो बहुत मेवा खिलाते हो। वो कहते बकरी भी तो हमको दूध पिलाती है, तुम दूध पिलाओ तो तुमको भी खिलाएंगे। ये तो भाई एक इस हाथ दे उस हाथ ले, सौदा नकद बनकद, ये तो वो हिसाब है। तो क्या है कि हमारा हक बनता भी है, हमारा हक नहीं भी बनता है, ये डिपेंड करता है हमारे व्यवहार के ऊपर, इसको आपको समझना चाहिए। और दूसरी जहां तक मांस की बात है, जान से ही मार डालना किसी को, अरे भाई किसी का जिंदा रहने का हक है या नहीं? इंसान के बच्चे को कोई मारता है तो आप क्या सोचते हो? और हैवान के बच्चे को, जबकि दुनिया में हजारों लाखों पदार्थ हैं खाने को, हलवाई की दुकान पर कितने प्रकार के वो बने हुए हैं, सब्जियां कितने प्रकार की मिलती हैं, फल कितने प्रकार के मिलते हैं, मेवे कितने प्रकार के मिलते हैं, उनको बना बना के एक ही बेसन की कितनी चीजें बनती हैं खाने को, कोई कमी है? उनको ना खाकर किसी के गले पर छुरी मार के उसको खून बहा के उसका खाते हो, पेट है कि कब्रिस्तान है? मुर्दे डालते हो उसमें, ये पेट समझा हुआ है या आपने कब्र समझी हुई है? क्या है? कितने दफना रखे हैं अब तक, कितने खा रखे हैं? वो बोलते हैं सब कुकड़ों को करते हैं अंदर, एक ना एक नतीजा दिन निकलता है आदमी का। तो ये गलत काम करता है मनुष्य, जिसको आज ये काम आ जाता है पशु को मार के खाने का, कल वो इंसान को भी मार डालता है। और जिसकी बुद्धि ऐसी है कि किसी को दुख नहीं देना, वो किसी को कैसे खाएगा? कल तक, अभी देखिए ईद आती है भाई, बकर ईद है ये, अब आज तक वो बकरी घर में पाली जाती है, घर का मेंबर बन गया वो, और आज आप उसको कुर्बान करने जा रहे हो, बकरी को काट के खा रहे हो। अपना अपना इरादा है, विचार है, हर एक को अपना विचार सही लगता है, उनको सही लगता होगा। हम उस ख्याल से किसी से नफरत से किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हम एक अपना विचार जरूर बताते हैं कि हर एक को जीने का अधिकार, जियो और जीने दो। और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरीर को हानिकारक हैं, ये अंडा हो या मीट हो, इसका तो लंबी डिटेल है। आप कभी चाहें, हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम मीट खा ही नहीं सकते। देखिए जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो वेजिटेरियन जो जानवर हैं, जो अनाज खाने वाले या सब्जी खाने वाले जानवर हैं, जैसे गाय है बकरी है, इंसान की अंतड़ियां उसी तरह की हैं, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, वो लंबी हैं। जो शेर है कुत्ता है, जो इस प्रकार के मांस खाने वाले जानवर हैं, उनकी इंटेस्टाइन छोटी हैं, उसमें वो सड़ता नहीं है। हमारे यहाँ जो मीट, जो अगर मीट खा लेता है इंसान, वो प्यूट्रीफाई होता है, वो ठीक नहीं रहता है शरीर के लिए, उसकी बात है। हमारे जबान देख लीजिए, जो जानवर मांस खाने वाले हैं, कुत्ता है या शेर है या जो कोई भी है, वो पानी को पीते नहीं है, सक करते हैं, लिक करते हैं। उनके सामने, कुत्ते के सामने पानी रखो, जबान बाहर निकाल के उसको लेता है। और जो दूसरे हैं, गाय है या वो है, वो आप देखेंगे पीते हैं, वो उनके बनावटी शरीर के अलग है। हमारे दांत अलग तरह के हैं, उनके दांत अलग तरह के। हमारे दांत कुछ ऐसे हैं जिनको कैनन टीथ कहते हैं, सारे नहीं, जो काटने वाले हैं, जिससे हम चना काटते हैं, मूंगफली खाते हैं और ये काजू खाते हैं, जब किसी चीज को आप कुतर कुतर करते हैं, तो वो दांत हमारे पास थोड़े हैं मेवा खाने के लिए। मैंने बताया आपको, खाओ बेशक, कोई मना नहीं। उनके जो सारे दांत हैं वो ज्यादा हैं ही कैनन टीथ, क्योंकि उन्होंने मीट को कुतर कुतर करना है। उनकी बनावट अलग है, हमारी बनावट अलग है। क्या हम मांसखोरा इंसान है, यानी जानवर हैं? तो ये एक अलग डिटेल है, एक अलग सब्जेक्ट है, उसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा। वो डॉक्टर्स ने पहले कई लगाते थे हिसाब के जी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पशु बढ़ जाएंगे और इतना अनाज खा जाएंगे, ये है वगैरह, सब लोगों ने हिसाब लगाया है कि अगर वो जानवरों को जितना अनाज खिलाया जाता है और अगर वही इंसानों को खिलाया जाए, इसकी जरूरत भी नहीं है, वट एवर इट इज। वो तो लंबी डिटेल हम अभी नहीं ले रहे। कहने का भाव ये है, आप तो योगी हो, सोचो ही नहीं, नेवर थिंक ऑफ बैड थिंग, इट वॉज ए ड्रीम, लेट पास्ट बी पास्ट, उसको भूल के
अब हमें क्या खाना है, ये हमारा मुख है, मुख से हम हंस हैं, हमको क्या खाना है, मुख में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, पेट में क्या डालना है, हाथ किसकी चीज को लगाना है, ये आप सोच लीजिए। इट इज अप टू यू। हम तो आपको एक अच्छा विचार आपके सामने रखते हैं, आप मर्जी के मालिक हैं, अपना सोच खुद कर सकते हैं, आप क्या पसंद करते हैं ये कोई बंधन तो है नहीं। अच्छी चीज बताते हैं हम आपको, जिसको स्वीकार हो उसको करो, जिसको ना स्वीकार हो इट इज अप टू यू। ओम शांति।